और बात नरेंद्र मोदी और ममता बैनर्जी की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं, लेकिन इसमें ममता बैनर्जी शिरकत नहीं करेंगी। उनकी जगह पश्चिम बंगाल के मंत्री अमित मित्रा इस बैठक में हिस्सा लेंगे। मोदी ने यह बैठक योजना आयोग के पुनर्गठन को लेकर बुलाई थी, लेकिन इसमें ममता नहीं होंगी। दरअसल ममता बैनर्जी योजना आयोग के बदलाव का विरोध करती रही हैं, इसलिए ये माना जा रहा है कि यही एक मुख्य वजह है जिसकी वजह से इस बैठक में ममता बैनर्जी खुद शामिल नहीं होंगी, बल्कि उनके मंत्री अमित मित्रा शामिल होंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का प्रकोप शुरू हो गया है। आपको हम दो तस्वीरें दिखाते हैं, यूपी के इलाहाबाद और कानपुर की, जहां आप देख सकते हैं कि कोहरे की वजह से अंधेरा छाया हुआ है। कोहरे के चलते सड़क पर चलना मुश्किल है। दिल्ली के मुकाबले यूपी में ठंड ज्यादा है। कोहरे के चलते सुबह सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने निकले पेरेंट्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और रेलगाड़ियां भी प्रभावित हुई है। 8 से 10 घंटे की देरी से रेलगाड़ियां चल रही है, तो कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। कानपुर और इलाहाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा इन दिनों कोहरा देखने को मिलता है, लेकिन इस बार दिल्ली के मुकाबले यूपी में ज़्यादा कोहरा है।